आप सुन रहे हैं कहानी बेइंतहा सफर इश्क का भाग 28। हॉस्पिटल में रोज की भांति चहल पहल थी। नर्स, डॉक्टर सभी अपने अपने काम में लगे थे। एक अधेड़ उम्र की नर्स हाथ में एक गिलास पानी का लिए हुए एक वार्ड में प्रवेश करती है। बेड की साइड मेज पर गिलास रख कर वह बेड पर नजर डालती है। उसके चेहरे के अनुभव की लकीरें साफ साफ झलक रही थी। बहुत देर तक उसे निहारने के बाद वे कमरे से बाहर निकल जाती है। इसोली गांव का एक सिविल छोटा हॉस्पिटल था, जहां किरण बेहोश हालत में पड़ी थी। बहुत देर बाद उसे होश आया था। धीरे से करहारते हुए वे आंखें खोलती है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ धुंध ही धुंध था। धुंध के हटते हटते उसकी याद उस छोर पर जाकर ठहरती है, जहाँ वे विदाई के लिए तैयार होने जा रही थी। सोचते सोचते वे अपने चारों ओर घबरा कर देखने लगती है। अपने हाथों से अपने को स्पर्श कर जैसे ही यह एहसास हुआ कि वह जीवित है, इससे उसके हलक से एक दबी हुई चीख निकल आई। इसके अगले ही पल वे अपना चेहरा छिपाकर फफक कर रो पड़ी। उसकी चीख देर तक उसी कमरे में गूंजती रही। रात का कौन सा पहर था किरण को नहीं पता। वह तो बेहोश में आने के बाद खुद को हॉस्पिटल में पाकर चकित थी। इस समय कमरे में किरण के सिवाय वहाँ अधेड़ उम्र की वो नर्स थी, तो चाय का प्याला किरण की तरफ बढ़ाती हुई बोल रही थी, लो बेटी, इससे तुम्हें कुछ बेहतर लगेगा। किरण अभी अभी होश में आई थी और इससे पहले कुछ सोच समझ पाती उसके सामने वह नर्स आ खड़ी हुई। कुछ पल तक नर्स की तरफ देखती रही, फिर दोबारा मौन निवेदन पर चाय का प्याला अपने हाथ में ले लेती है। वह नर्स भी पास की कुर्सी पर बैठी चाय सुड़कने लगती है। चाय का एक एक सिप लेती हुई वे आगे कहती है, जानती हो यहाँ आने से पूरे 14 घंटे बाद तुम्हें होश आया है। पहले तो मैं तुम्हारी हालत देख के बहुत डर गई, पर गॉड ब्लेस यू। गले में पड़े क्रॉस को चूमती हुई कहती है, अब तुम ठीक हो। वो तो कहो मैं उस रास्ते से गुजर रही थी, नहीं तो जाने क्या होता। किरण कप लिए हुए नर्स की बात ध्यान से सुन रही थी, जैसे वह खुद भी जानना चाहती थी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। नर्स अपनी आंखों का चश्मा ठीक करती हुई कहती है, बड़ा एक्सीडेंट था। गाड़ी का सवार गाड़ी से टक्कर हुई थी, उसमें 3 लोग मरे और 4 घायल हुए, उनमें तुम भी थी। तुम जिसके साथ थी शायद वो नहीं बचा, क्योंकि पुलिस एक लाश को पहचान ही नहीं पाई। ये सुनते किरण के दिमाग में गुजरा सारा कुछ घुमड़ने लगा। उसे तो बस यही याद था कि वे कमरे में अकेली थी और कोई अजनबी अनजान चेहरा अचानक से उसके सामने आता कह रहा था, ये जोड़ा और जेवर उतार कर इसे पहन लो। वह सूक्ष्म स्वर में किरण को हुक्म देता है। उस वक्त कमरे में किरण के सिवा वही शख्स मौजूद था। किरण जैसे इस बात से इनकार करने को हुई तो वे तुरंत बोल उठा, मेरी बात से इनकार करने के बारे में सोचना भी नहीं। सोचो इस शादी भरी भीड़ में जो तुम्हारे कमरे तक आ सकता है, वह नीचे तुम्हारे बाप और पति से क्या कुछ नहीं कर सकता। इसे चुपचाप वो करो जो मैं कह रहा हूँ। उसकी बात मानने के सिवा किरण के पास और कोई उपाय भी क्या था। वे सारे जेवर और शादी का जोड़ा उतार कर उसकी दी कोई सादी सी साड़ी पहन लेती है। वे जो भी था उसकी ओर गन किए सर झुकाए खड़ा था। उसने एक बार भी साड़ी बदलती किरण की ओर देखा भी नहीं। उसके बाद कब उसने उसे होश किया वह समझ भी नहीं पाई। जब होश आया तो वे किसी छोटी कार में थी, जिसे वही व्यक्ति ड्राइव कर रहा था। किरण बगल की सीट पर पड़ी थी। किरण की साड़ी के पल्लों से उसका मुंह बंधा हुआ था, जिससे वे कुछ बोल नहीं पाई, न चिल्ला सकी। वे उसका तेजी से खुद को खींचता शरीर बस उसका विरोध दर्ज कर रहा था। अब इस तरह से हिलना बंद करो और चुपचाप बैठी रहो, ये क्या कर रही हो। वे स्टेयरिंग पर हाथ घुमाते घुमाते किरण पर चिल्लाया। किरण जिसका हाथ बंधा था पर वे अपने पैर से कार के ब्रेक को दबाने की कोशिश करने लगी और इसी झड़प में सामने से आती सवारी गाड़ी से कब टक्कर हो गई वह समझ भी ना पाए। बस उसके बाद किरण को अब जाकर होश आया, पर उसे क्या पता था कि तब तक उसकी दुनिया ही पूरी लुट चुकी होगी। उसके बाद उसके पिता के साथ क्या हुआ उससे बिल्कुल अनजान थी। सहसा वह याद आते वे एकदम से चीख उठी, अरे ऐसे क्या देखती हो, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब तुम अपना पता बता दो ताकि तुम्हारे घर तक तुम्हारी खबर दी जा सके। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए परेशान होते होंगे ना। इससे पहले कि किरण कुछ कहती एक दूसरी नर्स फुर्ती से उसी वार्ड में प्रवेश करती उस अधेड़ उम्र की नर्स से कहती है,
डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं, मोटे लेंस के चश्मे से देखते हुए पूछती है। अच्छा, तो क्या उस मरीज को होश आ गया? अरे क्या नाम था, याद करने के ढंग से वे अपनी दोनों भौहें सिकोड़ लेती है। मिस्टर मनोहर दास, तू उसी नर्स जल्दी से याद दिलाती हुई कहती है। अपने पिता का नाम सुनते ही किरण का मन कांप उठता है। वे अपना सारा ध्यान अब उनकी वार्ता पर लगा देती है। अरे हाँ, वो तो बेचारे जिंदा लाश बनकर रह गए। वैसे एक बात कहूँ, मैं तो चाहती हूँ कि उन्हें होश ही ना आए। वे अब दूसरी नर्स की जगह बैठती हुई कहती है, अगर उन्हें होश आ भी गया तो क्या वे अपने जीते जी सदमा बर्दाश्त कर सकेंगे? जाने कैसी निर्लज बेटी थी जो अपने पिता के नाम और खानदान पर ऐसा धब्बा लगा गई। एक साथ दो दो परिवार तबाह हो गए। अब पहली वाली नर्स उठती हुई कहती है, हाँ ये तो कलयुग है। ओ गॉड, जाने क्या सोच के तुमने ये दुनिया बनाई। बनाई तो चलो ठीक, ऐसे निर्दयी इंसान क्यों बनाए? गहरी सांस छोड़ती हुई वह नर्स दरवाजे के बाहर निकल जाती है। ये सब सुनते ही किरण की तो जैसे होश ही उड़ गए थे। वह वाक बुद्ध बनी बैठी रह गई। कब अभी भी जस का तस उसके हाथ के बीच में था। अब नई नई आई नर्स किरण के हाव भाव से अपना ही अंदाजा लगाती हुई कहती है, तुम्हें तो सुनकर बुरा लगा होगा, पर जिस पर गुजरी है उसके बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। वैसे वो पेशेंट भी ना तुम्हारे साथ साथ इस हॉस्पिटल में आया था। जब उसे लेने एम्बुलेंस निकली थी तभी जाते समय तुम्हें घायल देखा था। तब वो यहाँ से अभी नर्स जो गई ना, उन्होंने ही तुम्हें यहाँ एडमिट कराया था। चलो मैं चलती हूँ, तुम चाय पियो। दोनों नर्स कमरे से बाहर निकल गई थी। उनके जाते ही किरण का दर्द आंसुओं का सैलाब बन आंखों से बह निकला था। अपने पिता की हालत सुनने के बाद किरण का दिल तड़प कर रो पड़ा। वह तुरंत ही उठकर अपने पिता के पास चल दी। रात का समय था जिसे हॉस्पिटल में चहलकदमी अब कम हो चुकी थी। बस यहाँ तहाँ वार्ड बॉय, नर्स और डॉक्टर ही दिख रहे थे। किरण के हाथ और सर पर पट्टी बंधी थी। वे इस समय उसी साड़ी में थी जो उस अनजान शख्स द्वारा दी गई थी। किरण खुद को पल्लू से ढकी किसी वार्ड बॉय से अपने पिता का पता पूछती उस ओर चल दी थी। आखिर उस रूम को पाते वो उसमें जाने ही वाली थी कि पीछे से डॉक्टर उसे आवाज़ लगाती, कौन है अंदर उस मरीज के साथ? किरण पलट कर डॉक्टर की ओर देखती सक पका गई थी, क्योंकि उसके पीछे डॉक्टर और उसके बीच सारंगी और उसके पिता खड़े थे, जिनका मुंह डॉक्टर की ओर था और पीठ किरण की ओर, जिससे वे किरण को देख नहीं पाए। डॉक्टर उनसे मुखातिब होती हुई कह रही थी, देखिए आपका मरीज अब कोमा में रहेंगे, नहीं कह सकते, इसलिए अब उन्हें मेडिकल वार्ड में शिफ्ट कर रहे हैं। अब उनकी सारी फीडिंग मशीनों के जरिए होगी, कहते हुए डॉक्टर निकल गई। पर सारंगी भरी आंखों से उन्हें जाता देखती रही। किरण अब दीवार के छिपाव में खड़ी थी। सारंगी के पिता सारंगी से कह रहे थे, बेटी अब तुम घर जाओ, आखिर कब तक यहाँ रहोगी? वैसे भी अब मनोहर जी जिंदा लाश बन चुके हैं, हमारी उपस्थिति भी उन्हें वापस नहीं ला सकती। इस पर सारंगी कह उठी, तो बाबू जी अगर किरण दीदी आ जाए तो वे ठीक हो जाएंगे ना? नहीं, वो तो ऐसा कर गई कि अब अगर सामने आई तो मनोहर जी शायद अपने प्राण ही कहीं ना खो दें। मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि किरण ऐसा कुछ कर जाएगी। अब तो मैं उसे एक पल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा मत कहिए, मुझे तो लगता है कि कुछ तो अनहोनी ये बुरा हुआ है उनके साथ। सारंगी की बात पे उसके पिता एकदम से भमकते हुए कह उठे, हाँ यही मान लेते हैं कि वह सबके लिए मर गई, क्योंकि अगर जीवित होती तो क्या ऐसा करती? और इतना जब लड़ा लांछन लग गया तो उसके लिए उसका मर जाना ही बेहतर है। वे एक एक शब्द पीड़ा की तरह कहते अब उस वार्ड के अंदर चल दिए थे। पीछे पीछे सारंगी भी अपने थके कदमों से चल देती है। ये सब सुनते किरण का दिल खून के आंसू रो दिया। बिन कसूर के उसे सजा मिल रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके पिता ने ऐसा भी पल आएगा जब वे चाह कर भी अपने पिता के सामने नहीं जा सकेगी। जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसमें उसका क्या कसूर था? पर इस बात को वे कहे और किसको यकीन दिलाए? इसी पल उसे अरुण का ख्याल आया कि अब बस एक वही एकमात्र उसका सहारा है जो शायद उसका सच समझ सके। सोचती हुई किरण रिसेप्शन तक जा पहुंची। फोन का रिसीवर उठाकर वह जल्दी जल्दी नंबर डायल करती। रिसीवर अपने कान के नज़दीक सटा लेती है ताकि कोई उसकी बात ना सुन सके। एक लंबी रिंग जाकर अपना दम तोड़ देती है। परेशान होकर दोबारा कॉल लगाने लगी थी कि तभी रिसेप्शन पर चल रहे टीवी हेडलाइन न्यूज़ दिखाने लगी, जिसमें बरबस ही उसकी नज़र चली जाती है।
दीवान इंटरप्राइजेस के बिजनेस टाइकून अरुण दीवान के मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर उनकी पत्नी अपने प्रेमी संग भागी, जिसमें पैसे और जेवर के गबन का लगा इल्जाम। हेडलाइन के साथ साथ न्यूज रिपोर्टर इस खबर को बढ़ चढ़कर और सुनाने लगती है। इस सुनते ही किरण की आंखों में एकदम से आंसू बह निकलते हैं। ये खबर बार बार टीवी पर दोहराई जाने लगी। किरण के हाथ से रिसीवर छूट जाता है। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। किरण निढाल होती वहीं फर्श पर गिर पड़ती है। उसकी हालत देखकर आसपास के मौजूद लोग उसकी ओर दौड़े चले आते हैं। दोनों की दुनिया बसी भी नहीं थी और उजड़ भी गई। जहां किरण आधी रात हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी थी, वहीं अरुण को तो अपना होश ही नहीं था। हरिमन काका ही थे जो बार बार उसे देखने चले आते, पर न अरुण को अपना खुद का होश था और न किसी के आने का। भूमि में उसे देखने आई, पर दरवाजे के खुलने की आहट से ही अरुण एकदम से चीख पड़ा, चले जाओ सब यहाँ से, सब चले जाओ मेरी ज़िंदगी से, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं, किसी की भी ज़रूरत नहीं। अरुण अपनी बिखरी हालत में नशे में चूर चीख रहा था और देहरी पे खड़ी भूमि और वहीं खड़े हरिमन काका के जैसे पैर कांप गए। अरुण ने एक बार भी उनकी तरफ पलट कर नहीं देखा। भूमि की आंखों से आंसू बह निकले। हरिमन काका दुखी मन से कमरे का दरवाजा बंद कर देते हैं। अब व्यथित मन से वे दोनों दरवाजे के पार खड़े थे। भूमि काका की ओर देखती हुई कहती है, काका आप कान्हा को बहुत मानते हो ना, तो क्या मेरी ओर से एक बात आप कान्हा से पूछेंगे कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? भूमि का कहा शब्द किसी तीर सा उनके मन से गुजर गया। अपने केबिन में आकाश कहीं निकलने को व्यग्र था और एक महिला स्टाफ उसे बिजनेस कोट पहनने में सहायता दे रही थी। वेयर इज रूबी? आकाश उसे सख्ती से पूछता है, शी हैज टेकन लीव टुडे सर। उसकी बात पर आकाश एक सख्त नजर उस पर डालता हुआ शर्ट की कफलिंग दुरुस्त करने लगता है। तभी आकाश का फोन बजता है, जिसे उठाते हुए आकाश अब थोड़े नर्म लहजे में कह रहा था, यस डैड, वहीं के लिए निकल रहा हूँ। ओके। आकाश फोन रखते हुए डोर की तरफ देखता है, जहां से तेजी से दीपांकर अंदर प्रवेश कर रहा था। इससे पहले कि आकाश उसे कुछ पूछता, वह जल्दी से कह उठा, सर आज जो मिनिस्टर सर के साथ मीटिंग थी वो कैंसिल हो गई। व्हाट, किस लिए? मेरी तो बहुत पहले से अपॉइंटमेंट थी उनके साथ। दीपांकर आकाश के हैरान हाव भाव पर कुछ कहना चाहता था, उस लड़की की ओर देखता है जो टेबल पर की फाइल सहेज रही थी। आकाश बात समझता उस लड़की को बाहर जाने को कह देता है। फिर दीपांकर भी उसकी ओर देखता हुआ पूछता, अब बोलो। दीपांकर आकाश की ओर इस तरह देखता है जैसे बहुत कुछ कहना हो, लेकिन बेहद सीमित शब्दों के साथ कहता वॉल के LCD टीवी रिमोट उठा लेता है। पहले ये देखिए सर। अगले पल टीवी ऑन होते उसमें न्यूज चलने लगती है। एक रिपोर्टर अपना गला फाड़ती हुई धारा प्रवाह कहे जा रही थी। साथ ही अरुण का रिपोर्टर पर हाथ उठाने वाला वीडियो क्लिप भी बार बार स्क्रीन पर रिपीट हो रहा था। यह है दीवान परिवार का असली चेहरा। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का सच सामने आने पर अरुण दीवान ने पार की अपनी सारी सीमा रेखा और रिपोर्टर पर किया हमला। ये क्या बकवास है, ये क्या बोले जा रही है, कौन सी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? आकाश बेहद हैरानगी से टीवी की स्क्रीन की ओर देख रहा था। बंद करो इस एडिट बॉक्स को, आकाश चीखता है। दीपांकर रिमोट से टीवी बंद करता हुआ कहता है, सर इसलिए मिनिस्टर साहब के साथ की मीटिंग कैंसिल हुई है, इस समय हर न्यूज़ चैनल पर यही न्यूज़ चल रही है। दीपांकर हिचकिचाते हुए कहता है, ये बास्टर्ड रिपोर्टर्स बस मौके की तलाश में रहते हैं। आकाश दांत भींचते हुए कोट जबरन उतारते हुए उसे फेंकता हुआ वना अपनी जगह बैठ जाता है। जब दीपांकर को बाहर जाने का संकेत करता, वे सिगरेट जलाते हुए कोई परिचित नंबर मिलाने लगता है। दूसरी ओर से फोन उठाते ही आकाश उसी तलखी भरे लहजे में कहता है, तुम नमकहरामों को मैंने क्या बोटी चबाने रखा है, अब तक उस स्टेला का पता चला या नहीं? ठीक है, आज रात मैं पहुंच जाऊंगा और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो याद रखना, तुम दोनों को मैं जान से मार दूंगा, समझे? अब रखो फोन। चीखता हुआ रिसीवर रखता हुआ अजली सिगरेट स्ट्रे के हवाले करता कुर्सी की पुष्ट पर सर टिका कर वे खुद को शांत करने लगता है। एक कैब आकर सीधी योगेश के नर्सिंग होम के ठीक सामने रुकती है। कैब के रुकते ही उसमें से फुर्ती से योगेश बाहर आते तुरंत अंदर की ओर यूं भागता है मानो उसके पैरों पर किसी ने पंख बांध दिए हो। पेमेंट शायद हो चुकी थी, जिसे नर्सिंग होम का एक लड़का योगेश का सामान निकालने लगता है। ओ दियर नैना, तुमने बुके रेडी रखा?
योगेश अपनी नर्स नैना की ओर देखता हुआ कहता, मेरा बस चलता ना सीधे एयरपोर्ट से अपने यार के घर पहुंच जाता। बस सोचा पहली बार मिलूंगा तो ज़रा पूरी तैयारी के साथ मिलूँ अपनी मिसेस अरुण दीवान से। बताओ कैसा लग रहा मेरा वेडिंग कोट। वह अपने ही जोश में था जबकि नर्स शांत भाव से उसके सामने खड़ी थी। योगेश अपनी दोनों बाहें हाथ में हवा में फैलाए हुए कहता है, मैंने स्पेशली ये कोट लिया है, ज़रा सूटेड बूटेड होकर मिलूँ। आफ्टर ऑल अरुण का BFF हूँ, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अपनी बात पर ठसक का हंसता हुआ योगेश अब अपनी पॉकेट से कोई दो सुनहरी पैकिंग वाली बॉक्स नैना की नज़रों के सामने करता हुआ कहता है, ये देखो पेरिस से रिस्ट वॉच ली है ना गजब की। सोचा दोनों को घड़ी देता हूँ ताकि उन्हें मुझसे मिलने का समय हमेशा याद रहे, नहीं तो अरुण तो भूल ही जाएगा ना मुझे। नैना अभी भी उसी सपाट भाव के साथ खड़ी थी जिससे अब थोड़ा हैरान होता हुआ योगेश पूछता है, बुकिंग कहाँ है नैना? मैंने एयरपोर्ट से ही बोला था ना लाने को, तुम तो ऐसे खड़ी हो जैसे कोई बहुत बड़े तूफान की चेतावनी देने वाली हो। योगेश अभी भी हंस रहा था, तूफान तो आ चुका है डॉक्टर। मतलब? नैना अब कुछ ना कहती, बस एक अखबार उसकी नज़रों के सामने फैलाती हुई एक हेडलाइन की खबर की ओर उंगली करती है। योगेश बेहद हैरानगी से अखबार को उठाता हुआ सरसरी नज़र से खबर पढ़ लेता है। अब उसके हाव भाव अजीब हो उठे थे, वे परेशानी में अपना माथा मसलते हुए कह उठा, मेरे पीछे इतना कुछ हो गया, अब तो अरुण के पास जाना ही पड़ेगा, काश कोई मेरे यार के साथ ऐसा ना करता। पल में उसकी खनकती आवाज़ दर्द में डूबी हुई हो आई थी। रूबी डॉक्टर के सामने बेहद निराश भाव में बैठी उनकी बात सुन रही थी। वे उसकी माँ की अगली कोमा कीमोथेरेपी पर बात कर रहे थे। देखो रूबी, सर्जरी के बाद की ये कीमोथेरेपी सबसे ज़रूरी है। अब जो सेशन सप्ताह में एक बार होता था उसे सप्ताह में दो बार करना होगा, समझ लो महीने में 8 बार। पर ये तो बहुत ज़्यादा है डॉक्टर, क्या मेरी माँ इसे झेल पाएगी? क्योंकि हर बार की कीमोथेरेपी के बाद उनके शरीर में बहुत दर्द होता है, तो क्या इतना करना ज़रूरी है? रूबी परेशान होती पूछती है। हाँ ज़रूरी है, तभी तो बता रहा हूँ, तुम्हारी माँ का 4th स्टेज का कैंसर है। अब इस वक्त अगर थेरेपी या दवाई में कोई कमी की गई तो भी उनका दर्द रिपीट हो जाएगा। इस पर डॉक्टर उसकी ओर ध्यान से देखते हुए कहते हैं, रूबी तुम्हारी माँ को ओवेरियन कैंसर है जो पेरिटोनियम में बुरी तरह से फैल चुका है, और उनकी उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अगर जल्दी जल्दी उनकी थेरेपी शुरू नहीं की गई तो ये बाकी के शरीर में भी फैलता जाएगा, और तब उस स्थिति में हमें फिर से सर्जरी करनी पड़ेगी जो कीमो से कहीं ज़्यादा दर्दनाक गुजरती है, समझो तुम इसे। इस पर रूबी को चुप देख डॉक्टर फिर धीरे से पूछते हैं, क्या पैसों को लेकर कोई प्रॉब्लम है तो हम कुछ दिन वेट कर सकते हैं? नहीं डॉक्टर, रूबी तुरंत बोल उठी, आप उनका इलाज तुरंत शुरू करें, मैं कल ही पैसा डिपॉजिट कर दूँगी। वैसे कितना खर्च आएगा? आखिरी शब्द हिचकिचाती हुई पूछती है, आर्ट थेरेपी कीमो दवाइयाँ इंजेक्शन सब कुछ मिलाकर 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख? वैसे मैं कोशिश करूँगा कि हमारे हॉस्पिटल की चैरिटी से तुम्हारी कुछ मदद हो जाए, फिर भी तुम गिरी हालत में तुम्हें 2 लाख तक पैसा तो जुटाना ही पड़ेगा। आई होप तुम मेरी बात समझ गई होगी। यस डॉक्टर। धीरे से सर हिलाती रूबी किसी घायल प्राणी की तरह उठती हुई केबिन से बाहर हो जाती है। योगेश तुरंत ही दीवान मेंशन पहुंच गया, पर अरुण की हालत देख उसका मन कांप उठा। अरुण बिस्तर पर निस्तेज पड़ा था, या गहरी नींद में था या बेहोशी में, कहना मुश्किल लग रहा था। योगेश की कल्पना में भी उसके दोस्त की ऐसी हालत नहीं थी। वह उसे एक दो बार पुकारता है पर कोई होश में होता तो सुनता उसकी। योगेश शुभ्ध मन लिए उसके रूम से बाहर निकल आया। वह भाभी से मिलकर पहले पूरा माजरा जानना चाहता था। अब लिविंग रूम में वे भूमि के सामने बैठा था जो सारा कुछ बताती हुई कह रही थी, ये होनी थी जो हो गई योगेश, पर ये मीडिया वाले इसे कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, उन्हें तो बस लोगों की ज़िंदगी की चीट फाड़ करने में मज़ा आता है, ये सोचे बगैर कि इसका दूसरों की निष्ठा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर भी भाभी, किरण का कुछ तो पता लगा होगा आप लोगों ने। क्या पता करें, हम उसे और उसके परिवार को जानते ही कितना थे, हमने तो एक बार भी उसे देखा तक नहीं, जब उससे मिली ही नहीं तो क्या कह सकती हूँ कि क्या होगा उसके मन में। एक बस दादाजी थे जो उसे जानते थे और वे भी जाने कहाँ चले गए,
उनके जाने से अरुण और भी टूट गया। असल में अब उसे लगने लगा कि इन सब के पीछे बस किरण ही एक वजह है। तो बताओ मैं क्या करूं इस बारे में। योगेश भी अपनी खामोशी में मन ही मन गुनता रहा। भूमि आगे कह उठी, यहाँ तो अब उसका कोई नाम भी नहीं सुनना चाहता, तो उसके बारे में क्या ही पता करेंगे। और इस मीडिया कांड के बाद से तो डैडी जी और भी खफा हो उठे हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पर जो कर सकती थी मैंने किया। मैंने राजवीर को उसके पिता के पास भेज दिया उनका हाल जानने। और मैं क्या कर सकती हूँ। भूमि एक हताश भरी सांस छोड़ती हुई आगे कहती है, अब तभी कुछ होगा जब उसके पिता होश में आ जाते हैं। ऐसे कैसे हो गया भाभी, सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था, फिर अचानक कैसे क्या हो गया। और अरुण की हालत मुझसे तो देखी नहीं जा रही। सोचा था उसकी ज़िंदगी का खुश रंग होते देखूंगा, पर यह स्थिति तो उसे और भी बेजार कर गई। कैसे उभरेगा इससे। चकित ना थे वे भाभी की ओर देखने लगा, जिससे हाव भाव में पहले से ही असीम व्याकुलता समाहित थी। अब तो सब कुछ वक्त के हाथ में है, शायद इस आने वाले वक्त में ही अरुण के लिए कोई मरहम छिपा हो। वे उम्मीदी से अनृत देखती रही, जबकि उनके सामने बैठा योगेश परेशानी में अपना माथा पसारने लगा था। पूरा दिन योगेश का ये सोचते गुजरा कि वे आखिर कर भी क्या सकता है। जिन्हें वे जानता पहचानता भी नहीं, फिर उनसे वे कैसे और किस तरह से भेंट की उम्मीद रखे। मन में संशय तो था, फिर भी योगेश आखिर सुविली गांव की ओर निकल पड़ता है। वे अब इसी हॉस्पिटल में था जहाँ मनोहर दास एडमिट थे। योगेश सही वार्ड का पता करता सारंगी के पिता के सामने खड़ा था। वे उन्हें कहना तो बहुत कुछ चाहता था, पर वे तुरंत ही भड़क उठे। आप क्या मदद करेंगे, माना गलती हमारी ओर से हुई तो क्या जो मन में आएगा अनाप शनाप लांछन लगा देंगे, जो जी में आया मीडिया को कह सुनाएंगे। हम तो खुद ही बेबस हो चले हैं, समझ ही नहीं पाए कि क्या करें। ऊपर से आपने अपना वकील भेजकर डिवोर्स का पेपर भी भेज दिया। अरे साहब, साइन किससे कराओगे, लड़की मिल गई होती तो क्या ये सब तहमत सहते। हम पर केस करने का दबाव बना दिया, अब क्या बोलें। एक तरफ मास्टर जी की ये हालत है तो दूसरी ओर हमारी बेबसी। अगर कुछ सर कर सकते हैं तो हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए बस। वे दुनिया आवाज में योगेश के आगे हाथ जोड़ लेते हैं। योगेश बेबस सा उन्हें देखता रहा। आखिर जो कुछ भी हो रहा था उसमें उसका बस ही कहाँ था। वे जानता था कि डिवोर्स पेपर वाली बात से अरुण जरूर अनभिज्ञ होगा, फिर भी उसे अपने दोस्त के लिए कुछ तो करना ही होगा। क्या आपने किरण का कुछ पता किया या पुलिस में रिपोर्ट लिखाई। योगेश की बात पर फिर भड़क उठे, आप कहीं और से आए हैं क्या, आपको कुछ नहीं पता। मतलब, योगेश चौंक उठा, आपकी ओर से यही धमकाने तो वकील आया कि हम पुलिस में रिपोर्ट न लिखाएं, अगर रिपोर्ट लिखा देंगे तो वे हम पर बदनामी का लांछन कैसे थोपेंगे। उनकी बात पर योगेश के होश ही उड़ गए, जबकि वे अपने में बड़बड़ाते हुए बोले जा रहे थे, एक तरफ हमारी बेटी गई, दूसरी तरफ उसे खोजने की रिपोर्ट भी नहीं लिखा सकते, सारी की सारी बदनामी बस हम पर थोप दी गई। क्या सच है क्या झूठ जाने बिना, इसलिए कहता हूँ हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए, अब हर रोज नई नई धमकी से तंग आ गए हैं। ये सब सुनते ही योगेश सन्न रह गया। वे एक बात तो अच्छी समझ गया कि जो कुछ भी अब हो रहा है उससे अरुण और भूमि भाभी जरूर अनजान हुए होंगे। अभी सुनने के बाद उसे वे क्या दिलासा देता, इसे चुपचाप वे वहां से जाने लगा। सुनिए, योगेश हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था तभी कोई पुकारती आवाज उसे सुनाई पड़ी। वे आवाज के साथ शक्ल भी उसके लिए अनजानी थी। वे कोई थी जो भागती हुई उसके ठीक सामने खड़ी थी। क्या आपने मुझे बुलाया, योगेश अपने आसपास के लोगों को देखता हुआ अब उसकी ओर देखता है। जी आपको ही, आप जरूर योगेश बाबू है ना। हाँ, पर आपको कैसे पता। मैं सारंगी, मैंने आपनी आपकी और पिताजी की बात सुनी, पर उनके सामने तो मैं कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए आपको जाते हुए टोका मैंने। अब रुक कर पल भर को योगेश उसे देखता है और याद करते समझ आ जाता है कि वे कौन है। वे अभी भी कही जा रही थी, आप समझ नहीं रहे कि हम पर क्या बीत रही है, वह जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल सही नहीं है, दीदी पर इतना बुरा लांछन। तो जो हुआ वही तो कहा जा रहा है, योगेश थोड़ी सख्ती से कहता है। हाँ वही तो होता है, लड़की घर से बाहर निकलती है और सबको अपनी जबान से सब कहने का मौका मिल जाता है, पर मेरा यकीन इससे बिल्कुल अलग है।
जिस दिन दीदी मिलेगी वो सारा सच भी सामने आ जाएगा। योगेश हैरानगी से उसका चेहरा देखता रहा जिसमें गजब का विश्वास समाया था। वे कह रही थी, दुनिया चाहे जितनी बातें कर ले, लेकिन मैं जानती हूँ ना उन्हें। जिस शादी के बारे में अरुण बाबू को अब मालूम पड़ा, मेरी दीदी तो उसे अपने बालपन से निभाती आ रही है। किसी और की सूरत जब उसे दिल में बनती, तब अरुण बाबू की सूरत हटी होती। ये जाने बिना कि वे शादी का आगे क्या होगा, वे हमेशा इस शादी के साथ जीती रही। अब इसे किस तरह का प्यार कहेंगे आप? क्या ये सच्चा प्यार नहीं है? क्या इसका भी कोई सबूत चाहिए आपको? तो मेरे यार ने भी तो बिन देखे जिसे अपने मन में बसा कर दिल से चाहा, और आज जिसके लिए बुरी तरह से टूट गया है, क्या वो प्यार नहीं है? इसमें उसकी क्या गलती है तुम बताओगी? उसने तो अपनी दुल्हन की शक्ल तक नहीं देखी। दोनों दंग थे, अब एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर वे दोनों क्यों उनके प्यार की माप एक दूसरे को बता रहे हैं? अगले ही पल एक हिचकिचाहट सी उनके हाव भाव में नजर आने लगी। आखिर कुछ क्षण बाद योगेश धीरे से कहता है, आपके पास अगर उनकी कोई तस्वीर हो तो मैं रिपोर्ट। योगेश की बात बीच में काटती हुई बोल पड़ी, नहीं, तस्वीर नहीं दे सकती। जो बदनामी होनी थी हो गई, अब क्या तस्वीर सारे शहर में बटवाएंगे? लेकिन नहीं, वे हाथ के इशारे से उसे टोकती हुई बड़ी दृढ़ता से कहती है, आपके हमारे मिलाने से कुछ नहीं होगा। मुझे सिर्फ अपने इस विश्वास पर विश्वास है कि अगर उनका प्यार सच्चा है तो कोई भी नियति उन दोनों के मिलने से नहीं रोक सकती। सारंगी के विश्वास पर योगेश भी पल भर को आंखें मूंदता जैसे मन ही मन आमीन कह उठा। आखिर क्या होना है इस कहानी में आगे? किरण अपने इस हालात में और अरुण अपने इस स्थिति में क्या कभी मिल पाएंगे एक दूसरे से? क्या समझ पाएंगे एक दूसरे की स्थिति? क्या मिला पाएंगे योगेश और सारंगी उन्हें? इस कहानी से जुड़े रहने के लिए सुनते रहें रोजाना नया नया पाठ और जुड़े रहें इस बेइंतहास इश्क के सफर से। कहानी पसंद आने पे कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।